नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार NIOS के DLED प्रोग्राम की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे आपके कोर्स कोड संख्या 504 पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, गणित विषय का शिक्षण या गणित विषय का अध्यापन। और इस पर हम आज इसमें चर्चा करेंगे इस सत्र में कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में सृजनात्मकता के विकास के लिए संगोष्ठी या सेमिनार का जो आयोजन किया जाता है, इसके विभिन्न पहलुओं पे हम आज चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए, हमारी चर्चा को सुगम बनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर यशपाल सिंह जी, जो कि महात्मा गांधी, जो कि MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जैसा कि हमने इससे पहले चर्चा की कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा हम छोटे बच्चों को प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण कर सकते हैं, इसमें हमने इससे पहले चर्चा की कि क्षेत्र भ्रमण क्या होता है और क्षेत्र भ्रमण का क्या महत्व है। आज मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप हमें बताएँ कि गणित के शिक्षण में, खास करके प्राथमिक स्तर पर, संगोष्ठी या सेमिनार जो है, इसका क्या महत्व है। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताएं कि सृजनात्मकता क्या होती है। कि परिभाषा के तौर पर सृजनात्मकता को, जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, सृजनात्मकता नवीन एवं कल्पनाशील विचारों को वास्तविकता में बदलने का कार्य है। सृजनात्मकता विश्व को नए तरीकों से देखने की, छुपे हुए प्रतिरूपों को खोजने की, प्रत्यक्ष रूप से असंबंधित दिख रही परिघटनाओं में संबंध स्थापित करने तथा नवीन हल खोजने की योग्यता से परिभाषित होती है। सृजनात्मकता में दो प्रक्रियाएँ सम्मिलित होती हैं, सोचना और उत्पादित करना। क्रिएटिविटी इज द आर्ट ऑफ टर्निंग न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडियाज इंटू रियलिटी। क्रिएटिविटी इज करेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन न्यू वेज, टू फाइंड हिडन पैटर्न्स, टू मेक कनेक्शंस बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड फिनोमिना, थिंकिंग देन प्रोड्यूसिंग। इसमें सोचना और चीज़ों को उत्पादित करना जरूरी होता है और जिसमें नवीनता और मौलिकता होनी आवश्यक होती है। इसी का एक और परिभाषा रॉबर्ट फ्रैंकन की है, जो कि हमारे ध्यान में रहनी चाहिए क्योंकि वो उद्देश्य को साथ लेकर चलती है। फ्रैंकन ने कहा कि सृजनात्मकता को समस्याओं को हल करने, दूसरों से संवाद स्थापित करने तथा स्वयं व दूसरों को मनोरंजन प्रदान करने में लाभदायक हो सकने वाले विचारों, विकल्पों तथा संभावनाओं को उत्पन्न करने या पहचानने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्रिएटिविटी इज डिफाइंड एज अ टेंडेंसी टू जनरेट और रिकॉग्नाइज आइडियाज, अल्टरनेटिव्स और पॉसिबिलिटीज दैट मे बी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेटिंग विद अदर्स एंड एंटरटेनिंग अवरसेल्व्स एंड अदर्स। तो इस परिभाषा के अनुसार भी सृजनात्मकता जो है वो समस्याएं हल करने के लिए होती है, दूसरों से संवाद स्थापित करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और स्वयं व दूसरों को मनोरंजन प्रदान करने से, इन तीन उद्देश्यों से प्रेरित होती है। और इसमें हमेशा कुछ विचार, विकल्प या संभावनाएं जो हैं वो उत्पन्न किए जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और जैसा कि पिछली परिभाषा में बताया था कि इसमें केवल सोचना भर शामिल नहीं होता, कुछ उत्पादित किया जाना आवश्यक होता है जो कि नवीन एवं मौलिक हो। जी जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सेमिनार या संगोष्ठी जो शब्द हम सुनते हैं, इसका क्या अर्थ है और इसकी परिभाषा क्या है। जी अखिलेश जी, सेमिनार शब्द जो है उसकी जो व्युत्पत्ति है वो एक शब्द है लैटिन का, सेमिनारियन, उससे मानी जाती है, सेमिनारियन से। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है प्लांट सीड। अब प्लांट सीड, जैसा कि हम अगर सीधे सीधे उसका अर्थ करें कि बीज को बोना, अब बीज बोने को आप उसको उस अर्थ में, कृषि के अर्थ में ना लें, यहाँ पर इसका जो हम अर्थ ग्रहण करते हैं वो ये होता है कि दिमाग में, मस्तिष्क में विचारों का रोपना, चीजों का रोपना, संपत्तियों का रोपना, ये इस अर्थ में सेमिनार शब्द का हम अर्थ ग्रहण करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि सर्वाधिक नवीन व विकसित शिक्षण विधि है जी। बहुत ही मोस्ट मॉडर्न कह सकते हैं और मोस्ट एडवांस्ड कह सकते हैं इस विधि को, शिक्षण विधि के रूप में।
और इसमें सामान्य रूप से कुछ लोगों का एक समूह एक स्थान पर एकत्र होकर किसी विशेष तकनीकी अथवा प्रकरण पर चर्चा करता है या उसे सीखता है। जी इसमें आमतौर पर एक समूह की बात होती है, ये सामूहिक विधि है, व्यक्तिगत नहीं है। इसमें समूह में कार्य होता है, तो समूह में कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक किसी स्थान पर और किसी पार्टिकुलर किसी विशेष तकनीकी पर या किसी प्रकरण पर चर्चा करते हैं और उसे सीखते हैं। इस विधि में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिससे एक समूह के अंतर्गत आपस में निर्देशित अंतःक्रिया किसी विशिष्ट प्रकरण पर घटित होती है। ये जो इसमें जो अंतःक्रिया होती है वो हैफेजार्ड नहीं होती, निर्देशित होती, डायरेक्टेड होती, डायरेक्टेड इंटरेक्शन होता है कि आप उसको निश्चित पहले से कर लेते हैं या आप उसको साथ साथ निश्चित करते हुए चलते हैं कि जो अंतःक्रिया है वो निर्देशित हो, हैफेजार्ड ना हो, अनडायरेक्टेड ना हो। और ये उच्च शिक्षा के लिए बहुत प्रभावी शिक्षण विधि है, सेमिनार का मेथड जो है, संगोष्ठी का मेथड। इसमें इसको दूसरे तरीके से हम व्यवस्थित समूह परिचर्चा के रूप में भी समझते हैं कि इसमें व्यवस्थित समूह परिचर्चा स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन के द्वारा अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाता है। मतलब हम सेमिनार को अगर दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन है ये सेमिनार। जी जी, उसको हम उस तरीके से समझ सकते हैं। जी स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन और उसके द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचना। और इसमें ज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक उच्च लक्ष्यों की भी प्राप्ति में बहुत सहायता प्राप्त होती है। ये विधि जो है हमें भावात्मक उच्च लक्ष्य, भावात्मक इस तरह के छोटे लक्ष्य नहीं, उच्च लक्ष्य जो है उनको, उच्च ज्ञानात्मक और उच्च भावात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में ये विधि सहायता करती है। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें जी, सेमिनार के आयोजन के उद्देश्य क्या होते हैं, तो इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं, महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं, जिनमें पहला होता है कि विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विश्लेषण का अवसर प्रदान करना जी। दूसरा होता है कि समस्या समाधान कौशलों का विकास करना। सेमिनार के दौरान समस्या पर चर्चा होती है, उसको आप जो है उसको हल करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से समस्या समाधान कौशल जो है वो विकसित होते हैं। साथ ही साथ इसका एक और उद्देश्य है कि समूह चर्चा को बढ़ावा देना। मैंने जैसा पहले बताया कि समूह में घटित होती है, तो समूह चर्चा को बढ़ावा होता है। अब समूह चर्चा को बढ़ावा देने में सबका अपना अपना योगदान होता है, तो पूरा समूह, तो समूह में जब आप काम करते हैं तो कुछ अनिवार्य रूप से कुछ चीज़ें अपने आप होती हैं, जैसे कि सामूहिकता की भावना, जैसे साहचर्य, जैसे सहयोग, तो ये जो सामाजिक भावनाएं हैं वो अपने आप इसमें विकसित होती हैं, बढ़ती हैं, उसका अनिवार्य रूप से ये उसका हिस्सा होती हैं। इसके अलावा इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिसका मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है कि हम शिक्षा के द्वारा उस लक्ष्य को हासिल करें, वो है दूसरों के विचारों की स्वीकृति विकसित करना। कई बार क्या होता है कि हम अपना विचार दूसरों पर थोपना चाहते हैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम दूसरों के विचारों को न सुनना चाहते हैं और अगर सुन भी लेते हैं तो उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम अपना, हमारे अंदर उतना लचीलापन नहीं होता है कि हम दूसरों के विचारों को भी अपने सोचने में स्थान दे सकें। पर सेमिनार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आपको बाकायदा प्रशिक्षित किया जाता है कि आप दूसरों के सुने और दूसरों के विचारों को स्वीकार करें, उनको सीखें। जी, तो ये एक अप्रत्यक्ष रूप से ये आपको इस बात के लिए ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण देती है कि आप दूसरों के विचारों को कैसे स्वीकार करें जी। तो दूसरों के विचारों की स्वीकृति हमारे लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि इस विधि के द्वारा पूर्ण होता है जी। ये पहले भी जैसे मैंने बताया था कि उच्च ज्ञानात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें उच्च ज्ञानात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति का एक बड़ा उद्देश्य होता है। ऐसे ही उच्च भावात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति का भी एक इसमें बड़ा उद्देश्य होता है, कॉग्निटिव हायर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स और हायर अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव उनकी प्राप्ति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक और चीज़ इसमें सेमिनार की विधि में जो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि वो अपने विचारों की व्याख्या करने की क्षमता विकसित करना। ये जो भी सेमिनार में हिस्सा ले रहे होते हैं प्रतिभागी, वो अपने विचार को किस तरीके से व्याख्यायित करते हैं ये कौशल उन्हें सीखना पड़ता है। तो अपने विचारों की व्याख्या करने की क्षमता विकसित करने के रूप में भी सेमिनार विधि बहुत प्रभावी, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमें से हम सब ने सेमिनारों में भाग लिया है तो हम जानते हैं कि प्रश्न कौशल विकसित करने में ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप किसी को सुनते हैं, आप जब सुनते हैं तो आप उसके बारे में आपके दिमाग में प्रश्न आते हैं, तो आप उन प्रश्नों को फिर शब्द देते हैं और आप प्रश्न पूछते हैं, तो जो प्रश्न पूछते हैं उसके माध्यम से वो आपका जो अधिगम है वो और ऊंचे स्तरों पर पहुंचता है। और न केवल आपके लिए लाभदायक होता है जो प्रश्न पूछता है, जो उत्तर दे रहा होता है, जो प्रस्तुति दे रहा होता है, उसको भी वो दूसरी दिशाओं में और अलग डायरेक्शंस में सोचने की
चुनौती देता है, मौका देता है, जी जिससे सीखना दोनों का बढ़ता है, जी म्यूचुअली जी बेनिफिटिंग होता है ये। जी 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 तो ये आपका इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इसमें है। एक छोटी सी चीज़ मुझे लगती है कि और भी जो सेमिनार से फ़ायदा होता है उसमें जी एक है कि कई बार लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का भय होता है, वो सेमिनार में अगर पार्टिसिपेट करें तो वो भी दूर होता है, और शायद ये भी एक इसका जी 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 उद्देश्य। आपने बहुत सही बताया कि जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, और विद्यार्थी क्या कई बार देखा गया है कि हमारे शिक्षकों के साथ भी ये दिक्कत कई बार होती है जी कि वो कक्षा के बाहर जो है समूह में बोलना, पब्लिक स्पीकिंग में उनको दिक्कत आती है। तो ये सेमिनार की जो विधि है ये पब्लिक स्पीकिंग में आपको एक अवसर प्रदान करती है, आपको एक मौका मिलता है जहां आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को सुधार सकते हैं, निखार सकते हैं और उसमें प्रवीणता हासिल कर सकते हैं। जी जी बहुत अच्छा बताया डॉक्टर इस्पाल आपने। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे विद्यार्थियों को बताएं कि सेमिनार के आयोजन की प्रक्रिया कौन सी है, क्या क्या चरण हो सकते हैं इसके, सेमिनार के आयोजन की प्रक्रिया के क्या क्या चरण हो सकते हैं। जी अखिलेश जी, जहाँ तक इसकी प्रक्रिया की बात है, इसमें सबसे पहली बात, जो सबसे पहला काम होता है जब भी आप कोई सेमिनार आयोजित करते हैं, तो सबसे पहले आप प्रकरण का चुनाव करते हैं। जी प्रकरण का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा प्रकरण चुनें जो सबके लिए लाभदायक हो। तो प्रकरण का चुनाव सबसे पहला है, और प्रकरण निश्चित रूप से कई सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखती होती हैं जिनसे आप प्रकरण का चुनाव करते हैं। और उनमें ये भी है कि आप जो है आपका जो पाठ्यक्रम है, आप पाठ्यक्रम से संबंधित, चूँकि एक शिक्षण विधि के तौर पर हम इसको सेमिनार को ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके प्रकरण के चयन में आपको ये देखना होता है कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसका कौन सा हिस्सा है जिसको आप सेमिनार विधि के माध्यम से अच्छे से शिक्षण अधिगम करा सकते हैं और कर सकते हैं। तो वो प्रकरण के चुनाव में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। इसके अलावा जब एक बार आपने प्रकरण चुन लिया, तो प्रकरण चुनने के बाद जो अगली महत्वपूर्ण पद होता है वो होता है प्रचार करने का, घोषणा करने का। आप घोषणा करते हैं कि फला तिथि पर, फला स्थान पर, फला समय पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, और उसी के दौरान आप जो है प्रचार के दौरान ही आप उसमें जो भी भागीदार होंगे वो तय करते हैं। और ये भागीदारी आपको तय करनी होती है, आप क्या केवल अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ही इसका आयोजन कर रहे हैं या आसपास के अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी शामिल करना चाहते हैं, राज्य स्तर तक का आप सेमिनार करना चाहते हैं या आप राष्ट्र स्तर का करना चाहते हैं, इवन आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी सेमिनार आयोजित कर सकते हैं, आपकी जैसी जरूरत हो, जैसी आपकी आवश्यकता हो उसके अनुसार। इसके बाद आपने प्रचार कर दिया, घोषणा कर दी, उसके बाद आपको तैयारियां करनी होती हैं। आपको सेमिनार से संबंधित कई प्रकार की तैयारियां करनी होती हैं, कई प्रकार का नियोजन करना होता है जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इसके आयोजन में। तैयारी से मतलब है कि आपने एक समय तय किया, स्थान तय किया, उसकी आपने घोषणा कर दी। लेकिन जब आपने समय और स्थान तय कर दिया तो सेमिनार से संबंधित आपको एक निश्चित प्रकार की व्यवस्था, जिसे कहते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, आपको करना होता है। एक आपको मंच चाहिए होता है जहां से स्पीकर प्रतिभागी बोलते हैं। इसके अलावा आपको जो है उसमें माइक की व्यवस्था करनी है, उसमें आपको फोटोग्राफी की व्यवस्था करनी, वीडियोग्राफी की व्यवस्था करनी, तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो आपको पहले से व्यवस्था उनकी करनी पड़ती है जो आप सेमिनार कर रहे हैं। जैसी आपकी ज़रूरत हो, जैसा आपका स्तर हो, उसी के अनुसार आप जो है तैयारियां करते हैं कि उसके कैसे कैसे आपको घटित करना है, सेमिनार को कैसे कैसे आयोजित करना है। तो सारी तैयारियां बिफोर हैंड एडवांस में करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर जब आपके जब निश्चित तिथि आती है, समय आता है, तो आप आयोजन करते हैं संगोष्ठी का। आयोजन के दौरान भी कई चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। सारी व्यवस्थाएं आपको, जो आपने तैयारियां की थी वो आपके मूर्त रूप में आ रही हैं, तो आपकी सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर हैं, उचित हैं, फंक्शनल हैं, वो सब आपको देखना पड़ता है। फिर आपको ये भी करना पड़ता है, जैसे कि सामान्य तौर पर जब आप शिक्षण विधि के तौर पर अपनी कक्षा में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका उद्घाटन शुरुआत में आप स्वयं उसकी टॉपिक की घोषणा करेंगे, व्याख्या करेंगे, या जो व्याख्या है वो आप किसी विशेषज्ञ को बुला करके उससे करवाएंगे। ये चीज़ें आपको उसमें करनी पड़ती हैं, या आप संगोष्ठी के आयोजन के दौरान आप करते हैं। इसके अलावा विभिन्न चर्चाएं गठित करते हैं सेमिनार में, आप कई बार सेशंस होते हैं, तो अगर आपका एक ही सेशन का है सेमिनार तो उस हिसाब से होगा। अगर आपके आपने कई सेशंस रखे हुए हैं, कई उसमें आपने मान लीजिए सब थीम्स रखी हुई हैं, तो उस हिसाब से उसका आयोजन आप
करते हैं उस हिसाब से आप चर्चाओं को व्यवस्थित करते हैं, और सबसे अंत में जो है संक्षेपण होता है जिसे हम कहते हैं कि पूरे को एक संक्षेप में प्रस्तुत करने का काम, समराइज करने का काम होता है, वो आखिर में होता है। और आखिरी जो इसका आयोजन का पद होता है वो होता है मूल्यांकन का, और ये मूल्यांकन का उद्देश्य निश्चित रूप से जैसे बाकी चीज़ों के मूल्यांकन में होता है पृष्ठपोषण हेतु इसका फीडबैक के लिए, फीडबैक के लिए इसका उपयोग होता है। और ये दो तरीके का होता है, ये औपचारिक होता है और अनौपचारिक होता है, जिसका मूल्यांकन हम औपचारिक तरीके से भी कर सकते हैं, अनौपचारिक तरीके से भी कर सकते हैं। और इसके माध्यम से हमें भविष्य में अगर हम फिर कोई सेमिनार करना चाहें तो उस हेतु हमको गाइडलाइंस मिलते हैं और सुधार के अवसर मिलते हैं। जी, बहुत अच्छा बताया डॉक्टर सवाल आपने कि क्या क्या चरण हो सकते हैं एक सेमिनार के आयोजन के, उनमें क्या क्या क्रियाएँ शामिल होती हैं। आगे मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो सेमिनार विधि है प्राथमिक स्तर के बच्चों में सृजनात्मकता के विकास के लिए, इसके क्या क्या लाभ हैं और इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। जी अखिलेश जी, जहाँ तक इसके इस विधि के लाभों की बात है तो अनगिनत लाभ हैं इस विधि के। कुछ महत्वपूर्ण लाभों पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख लाभ अगर मैं कहूँ तो वो है कि ये बहुत प्रेरक विधि है जी। इस विधि के द्वारा न केवल शिक्षक को और विद्यार्थी को, अभी तो मैं तो कहूँगा कि जो भी कोई जानता है सेमिनार के बारे में सभी को बड़ी प्रेरणा मिलती है जी, जो बाई चांस भी अगर उससे जुड़ जाता है तो उसको भी प्रेरणा मिलती है सीखने की, जानने की चीज़ों को। तो और जिनके लिए है उनको तो लाभ मिलता ही मिलता है, उनके लिए तो प्रेरक होते होता है। विद्यार्थियों को जिनके लिए आपने टारगेट किया है उनके लिए तो प्रेरक होता ही है, प्रतिभागी जो भी होते हैं उनके लिए तो प्रेरक होता ही होता है, जो आयोजित कर रहे हैं उनके लिए तो प्रेरक होता ही होता है, पर अन्य लोगों को भी प्रेरणा देता है। आपने स्वयं भी देखा होगा कि हम कभी अच्छे सेमिनार में जाते हैं तो हमारे अंदर भी एक विचार आता है कि हम भी एक अच्छा सेमिनार आयोजित करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसका लाभ है कि ये बहुत प्रेरक होता है सेमिनार। सबसे बड़ी बात तो है सर, जो मुझे लगता है कि हमारा ज्ञान जो है उसको ये अद्यतन करने के लिए, समसामयिक बनाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है सेमिनार। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमारे ज्ञान को अद्यतन करने के लिए, समसामयिक बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका एक अन्य लाभ है और बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। इसके अतिरिक्त इसमें जो सीखना है वो बड़ा प्रभावी होता है, क्योंकि आप किसी चीज़ पर बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं, बहुत सारे प्रश्नों का आप सामना करते हैं, और आप अगर मान लीजिए स्वयं हिस्सा भी नहीं भी है, मान लीजिए सेमिनार में प्रस्तुति कोई और दे रहा है, प्रश्न कोई और पूछ रहा है, आप केवल सुन रहे हैं, लेकिन तब भी जो अधिगम है वो काफ़ी अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि आप भी सारी प्रक्रिया का हिस्सा हैं, भले आप पैसिव हिस्सा हैं, हालांकि तो वो जो अधिगम होता है वो बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि बहुत विस्तार पूर्वक इसमें चीज़ों पर चर्चा होती है। एक और चीज़ जो इसकी बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत महत्वपूर्ण लाभ इसका मानता हूँ मैं, वो है कि ये सामाजिकता विकास हेतु सर्वश्रेष्ठ है। ये विधि सोशलाइजेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसमें होता यह है कि सब बच्चे आपस में मिलते हैं, बच्चों सारे प्रतिभागी इकट्ठा होते हैं एक जगह पर, तो एक दूसरे से सहयोग बढ़ता है, साहचर्य बढ़ता है, एक दूसरे का जानना बढ़ता है, फिर आप प्रस्तुतियां देते हैं तो आपका वो मतलब एक अपना विचार रखने की क्षमता विकसित, ये सब चीज़ें समाज में आपके काम आती हैं। तो सामाजिकता के विकास के लिए ये बहुत एक, इसको निर्विवाद रूप से ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इसके अलावा जब ये सामाजिकता विकसित करती है तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास भी करती है जी। बच्चे में, प्रतिभागी में ये लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करती है। लोकतांत्रिक मूल्य, आप एक उदाहरण से मैं अपनी बात को कहना चाहूँगा कि जैसे कोई स्पीकर बोल रहा है तो आप बीच में प्रश्न नहीं पूछते जी। जब उसका प्रस्तुति समाप्त हो जाती है तब आप उससे प्रश्न पूछते हैं, तब तक आप अपने प्रश्नों को या तो लिख करके रखते हैं, याद करके रखते हैं, जब प्रस्तुति पूर्ण हो जाती है तभी आप, तो आप एक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्य सीख रहे हैं कि जब दूसरे का मौका है तब दूसरे का मौका है, आपको दखल नहीं देना है, ये एक लोकतांत्रिक मूल्य है। इसके अलावा आप इसमें सबको सुनते हैं, सबको समझते हैं, आप अपनी बात कहते हैं, दूसरे की बात को स्वीकार करते हैं, तो दूसरे के विचारों को स्वीकृति की जो मैं बात कह रहा था वो लोकतांत्रिक मूल्य है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कीमती लोकतांत्रिक मूल्य है वो। इस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में बहुत प्रभावी विधि है। इसके अलावा इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होती है। जैसा आप कह रहे थे कि पब्लिक स्पीकिंग का जो कौशल है वो कौशल जो है जब विद्यार्थी में आता है तो आत्मविश्वास अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा इसका एक और लाभ ये है कि आप प्रकरण का बड़ा विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं जी।
आप इसमें संक्षेप में चीज़ों को नहीं सीखते समझते, संक्षेप में चीज़ों को नहीं जानते देखते, इसमें आप काफ़ी विस्तार पूर्वक जिस प्रकरण पर भी आप बात करें उसका काफ़ी विस्तार पूर्वक आप बातचीत करते हैं, अध्ययन करते हैं। और प्रश्न कौशल, प्रश्न पूछने की कला का विकास करती है ये विधि निश्चित रूप से, कि प्रश्न कैसे किए जाएँ, किस तरीके से किए जाएँ, किस समय किए जाएँ, उसकी भाषा क्या हो, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ता है सेमिनार में। तो ये प्रश्न पूछने की कला विकसित करती है, और मुझे लगता है प्रश्न पूछने की कला बड़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग, हम अध्यापक जानते हैं कि प्रश्न पूछना जो है आसान काम नहीं है, कई बार प्रश्न जो होते हैं वो बहुत दिक्कत पैदा करते हैं। अगर आपको प्रश्न पूछने की कला आती है तो आप उत्तर भी निकलवा ही लेते हैं, अगर वो नहीं आती है तो आप जीवन में काफ़ी कुछ आपसे छूट जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो ये काफ़ी जीवंत शिक्षण है, क्योंकि लगातार सक्रिय भागीदारी है इसमें प्रतिभागियों की, तो सक्रिय भागीदारी होने के नाते ये जो शिक्षण है ये बहुत जीवंत शिक्षण होता है। सेमिनार विधि के माध्यम से जो शिक्षण है वो बहुत ही जीवंत शिक्षण होता है। एक और इसका एक बढ़िया गुण या लाभ कह सकते हैं, वो है सामाजिक जड़ता से, पारंपरिक जड़ता से मुक्ति। कक्षा में जब आप सामान्य रूप से पढ़ा रहे हैं तो एक किस्म की जड़ता रहती है, पर सेमिनार में वो जड़ता जो है सिरे से गायब हो जाती है, एक अलग किस्म की जीवंतता, एक अलग किस्म का ऊर्जा, इसका संचार प्रतिभागियों में होता है, और ये हम सब इसके साक्षी हैं। इसके अलावा एक नवीन अनुभव होता है सेमिनार, सेमिनार जब आप सेमिनार के द्वारा शिक्षण अधिगम को गठित करते हैं तो ये विद्यार्थियों के लिए एक नवीन प्रकार का अनुभव होता है, एक नवीन प्रकार का अवसर होता है। एक और चीज़ ये है कि सेमिनार के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि औपचारिक अंत के साथ ये समाप्त नहीं होता। सेमिनार औपचारिक रूप से समाप्त हो जाता है, लेकिन उस पर चर्चा हफ्तों, महीनों, कई बार सालों चलती रहती है कि फला जगह पे ये बात कही गई थी और उसमें ये हुआ था और उसमें ये हुआ था, तो वो चर्चा अनवरत चलती रहती है हफ्तों, महीनों, साल तक। तो ये औपचारिक अंत के साथ समाप्त होने वाली विधि नहीं है, उसको आगे भी आप और उसमें जोड़ते रहते हैं, जो सीखा है उसको और आगे बढ़ाते रहते हैं और उसको शार्प करते रहते हैं सीखने को। एक और इसकी बात यह है कि ये शिक्षार्थी केंद्रित विधि है जी। इसमें अध्यापक का उतना रोल नहीं होता है, वो केवल प्रकरण को एक प्रस्तुत करने और उसको ऑर्गेनाइज करने और उसको एक हल्का सा, जिसे कहेंगे कि आप फिलासफर और गाइड वाला काम जो है अध्यापक करता है, बाकी सारा काम विद्यार्थी स्वयं ही करते हैं, तो ये विद्यार्थी केंद्रित विधि है। एक और बहुत महत्वपूर्ण इसका लाभ मैं मानता हूँ, वो है संचार कौशलों का विकास, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप कम्युनिकेट करते हैं सेमिनार के दौरान, आप अन्य प्रतिभागियों से कम्युनिकेट करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन के द्वारा आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, संचार कौशल हैं, वो भी विकसित होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत प्रकार से लाभदायक विधि है, पर जैसा कि होता है हर विधि के साथ कुछ न कुछ सीमाएं होती हैं, तो इस विधि की भी कुछ सीमाएं हैं निश्चित रूप से, कुछ जिन्हें कह सकते हैं कि जो कंसर्न का विषय है, जो हमारे लिए चुनौतियां हैं, वो ऐसी कुछ सीमाएं हैं इससे जुड़ी हुई, जिनमें सबसे पहले ये है कि ये विधि बहुत महंगी है जी। सेमिनार का आयोजन महंगा पड़ता है, काम है, महंगा काम है, इसमें काफ़ी धन जो है, धन, वो समय श्रम सब लगता है, तो चूंकि धन समय श्रम सारा कुछ इसमें ज़्यादा लगता है, तो ये काफ़ी महंगी विधि है। उसी को कहना, अधिक समय भी लेती है, अधिक श्रम भी मांगती है, और पैसा तो इन्वॉल्व ही है, तो वो इस तरीके से काफ़ी महंगी विधि है। एक और इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान रखने की है, यद्यपि हम यहाँ इसको प्राथमिक स्तर के तौर पर इसकी चर्चा कर रहे हैं, पर यह विधि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है, क्योंकि प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर आप बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो प्रकरण पर तैयारी करके अपनी प्रस्तुति देगा और उस पर प्रश्न पूछेगा और उसके माध्यम से सीखेगा। तो इसलिए प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर इस विधि को अनुपयुक्त माना जाता है, प्रभावी नहीं माना जाता। सर, इसमें थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा मैं आपसे कि जो अभी आपने बताया, बड़ी खूबसूरती से बताया, भले मैं भी ऐसा सोच रहा था कि प्राथमिक स्तर पर यह विधि ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, लेकिन अभी आपसे चर्चा जो हुई उसके अनुसार मुझे लगता है कि ज़्यादा उपयुक्त न होने के बावजूद भी इसका महत्व कुछ खास सोशल स्किल्स को डेवलप करने में बहुत है। जैसे सेमिनार से छोटे बच्चे अगर एक मॉक सेमिनार आयोजित किया जाए, छोटा सेमिनार आयोजित किया जाए, तो छोटे बच्चे ये सीख सकते हैं कि अपनी बारी का इंतज़ार कैसे करते हैं, कैसे करें, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रश्न पूछना, उसके परमिशन नहीं है कि बीच में आप प्रश्न पूछें, उनको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा, प्रश्न पूछने के समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ऐसे में हालांकि जैसा आप बता रहे हैं कि ज़्यादा उपयोगी नहीं है, फिर भी सीमित मात्रा में इसका उपयोग
मुझे लगता है कि छोटे बच्चों के लिए भी किया जाना चाहिए ताकि वो उनके सामाजिक कौशलों को बढ़ाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम बहुत सीमित मात्रा में इसका उपयोग कर सकते हैं। मैंने कहा कि अनुपयुक्त है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका उपयोग ही नहीं किया जा सकता जी है। जी सीमित मात्रा में इसका उपयोग इसलिए भी जरूरी है कि एक तो ये एक नवीन प्रकार का अनुभव प्रदान करेगी, जी लाभ बहुत हैं इसके, उनमें सामाजिकता और लोकतांत्रिकता का जो लाभ है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। तो उस हिसाब से इसको सीमित रूप में एक या दो बार अगर आयोजित किया जाए किया जा सकता किसी है प्रकरण विशेष को लेकर के, जी। तो कम से कम बच्चे को एक नवीन प्रकार का अवसर मिलता है और बच्चे में कई वांछनीय गुण जो हैं वो विकसित होते हैं, जैसे आपने बताया कि प्रश्न पूछने का है, सामाजिकता का है। तो इस तरीके के जो महत्वपूर्ण गुण हैं जो कि हम चाहते हैं बच्चे में विकसित हों, वो इस माध्यम से हम उसको लक्ष्य उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो है। पर निश्चित बात है बिल्कुल, कि बिल्कुल। हम अगर इसको उस दृष्टि से देखें कि जिस पर्पज से हम करते हैं, तो उस पर्पज की दृष्टि से ये बहुत लाभकारी क्योंकि ये उच्च प्राथमिक स्तर पर संज्ञानात्मक क्षमताओं जी, ये को उच्च बढ़ाने से जुड़ा भावात्मक हुआ और है उच्च ज्ञानात्मक लक्ष्यों जी। के लिए ज्यादा केंद्रित होती है विधि, और इसलिए ये उच्च शिक्षा के स्तर पर बहुत प्रभावी विधि है, किंतु प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर उतनी प्रभावी नहीं नहीं मानी जाती है। एक और चीज़ है कि प्रत्येक विषय और प्रत्येक प्रकरण के लिए आप इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते जी। ये इसकी एक बड़ी सीमा, कुछ खास प्रकरणों के में, कुछ खास विषयों में ही आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं जी। एक और चीज़ भी होती है कि कभी कभी परिणाम रहित हो जाता है सेमिनार जी, क्योंकि परिणाम आप देखते हैं कि होता यह है कि सेमिनार में कहते सब हैं जी, सुनता कोई नहीं। ये एक बड़ी साधारण सी चीज़ है जो सेमिनार के साथ जुड़ती है। ये बड़ा वो एक इसमें सर एक कोटेशन है कि ये कॉन्फ्रेंस इज द प्लेस वेयर एवरीवन इज कंफ्यूज्ड व्हाट इज गोइंग ऑन, ये एक जोक है इसको कहें आप जी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। सेमिनार में कई बार क्या होता है कि एक सेमिनार जो है आयोजन उसका उद्देश्य हो जाता है, उस आयोजन के द्वारा जो अधिगम है वो अधिगम जो है वो कहीं पीछे छूट जाता है, और आप कहते हैं कह सकते हैं कि वो जो संगोष्ठी है वो परिणाम रहित हो जाती है, उसका नतीजा प्राप्त हमें नहीं हो पाता है, वो केवल एक घुलने मिलने उठने बैठने का माध्यम के रूप में रह जाता है, उसके जो मुख्य प्रमुख उद्देश्य हैं वो छूट जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, वो नहीं रह पाते। एक और बहुत महत्वपूर्ण सीमा है इस विधि की कि इस विधि का प्रयोग करने के लिए शिक्षकों से हम कुछ अधिक कुशलता की आशा करते हैं। बहुत अधिक जो कुशल शिक्षक हैं वही इसका आयोजन करने में सक्षम हो पाते हैं, समस्त शिक्षक सामान्य रूप से इसका आयोजन नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, इसमें एक्सपर्टाइज की जरूरत, इसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक और इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जो इसको कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण सीमा है इसकी, वो ये है कि हम जानते हैं कि दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, एक बहिर्मुखी होते हैं, एक अंतर्मुखी होते हैं। तो बहिर्मुखी विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बढ़िया विधि है, लेकिन अंतर्मुखी विद्यार्थियों के लिए ये विधि जो है वो बहुत प्रभावी नहीं होती है। अंतर्मुखी बच्चे जो हैं इसका उतना लाभ नहीं ले पाते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये प्राथमिक स्तर पर अनुपयुक्त तो जरूर है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को अनुभव देने के लिए और के लिए। एक भिन्न प्रकार का अनुभव देने के लिए, एक भिन्न प्रकार का अवसर देने के लिए इसका एक दो बार प्रयोग किया जाना सीमित प्रयोग चाहिए, किया जा सीमित है। प्रयोग इसका किया जी। जाना चाहिए जी। किया करना चाहिए अध्यापक को, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में सृजनात्मकता के विकास में सेमिनार के आयोजन का, संगोष्ठी के आयोजन की क्या भूमिका हो सकती है, संगोष्ठी के आयोजन के चरण कौन कौन से हैं, और संगोष्ठी के लाभ और इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। इस परिचर्चा के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर यशपाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी आभार एवं धन्यवाद।